आज ठू प्रतिदिन आम चैनल आपण मैंने एल आई और एस एफ एस क्लास देखा पाइबे। आज मुझे स्टार्ट करी मैथमेटिक्स क्लासटा प्रथम रु स्टार्ट होटा हूँ आप पार्ट नंबर वन रोचे नंबर सिस्टम टू आज आम स्टार्ट करवा ठीक अच्छे। तो प्रति आपण मैंने जो नोटिफिकेशन है प्रति नोट गुड़ाक पीडीएफ गुड़ाक आपण मैंने कौटी पाइबे देखो डिस्क्रिप्शन बक्स में मुझे आपदेवि टेलीग्राम ग्रुप लिंक। तो ये क्लास सरपुर मुझे आपको टेलीग्राम ग्रुप छाड़देवी प्रति लिंक आपटू को जाकि पीडीएफ को आपड़ा डाउनलोड करेंगे। पीडीएफ को डाउनलोड कराला आपड़ मैंने घर थे डिटेल्स आपको सल्व करेंगे ठीक अच्छे। और जब आपर कौन नंबर जो डाउट रोचे तेल आपत कमेंट सेक्शन में पचारे पारे टेलीग्राम ग्रुप में आपने कमेंट करेंगे। मुझे चेषा करी 100 to 100 फुल आपको कवर करने बाकी कथ रहा कि आपंकर पढ़ा सब डिपेंडेबल रहा ठीक अच्छे। तो मुझे जहाँ भी पढ़ेबी सब ही आपर एग्जाम आसो। तो देखो चलतु आज आम प्रथम नंबर सिस्टम पढ़ा और जदि आपर कोई सांगसाथी एल आई एस एफ एस पोस्ट आवेदन करवेदन करना भाव में भिडियो सेंड करूँ जहाँफल कि क्लासटा करेंगे। तो फैन प्रथम आम देखा कि फेस वैल्यू क्या कहा जाए और प्लेस वैल्यू ठीक अच्छे। प्रथम आपंकर फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या कह जाए देखो ये जो नंबरटा दिखाई भल भाव ध्यान दिंतु ये जो नंबरटा अच्छे 8 7 3 4 9 2 5 9 2 5 माने 110,000 और 84,925 जो ये नंबरटा लिखाई है ये आप प्रथम गोटे क्वेश्चन रोचे कि फेस वैल्यू ऑफ 7 माने फेस वैल्यूर अर्थ कौन देखो। फेस वैल्यू मैंने आम जहाँ मुहरें कहचुना से फेस वैल्यू ठीक अच्छे। माने जदि कह फेस वैल्यू ऑफ 7 आंसर कौन हाँ 7 ही हो। फेस वैल्यू ऑफ 9 मैंने केन्सर 9 ही हो ठीक अच्छे। फेस वैल्यू ऑफ 9 मैंने केन्सर 9 ही हो। जदि पचारि जाऊँच कि फेस वैल्यू ऑफ 3 के लिखे कि फेस वैल्यू ऑफ 3 हूँ 3 ठीक अच्छे। तो आशा रोचे कि फेस वैल्यू आप बुझे एवं देखा आम प्लेस वैल्यू कौन रोचे प्लेस मान हूँ फ्रेंड देखो प्लेस अर्थ हो स्थान ठीक अच्छे। तो प्लेस अर्थ हो स्थान ये जो नंबरटा आप देखुं ए नंबर रे प्लेस वैल्यू ऑफ 4 माने 4 स्थान कोड होची देखंतु 4 स्थान कोड कोड होची माने 1 10 100 एवं 1000 4 स्थान कोड होची 1000 सेटिप मै यार प्लेस वैल्यू ऑफ 4 रहूची 4000 बुझेला। तो देखंतु स्टिक से बोली प्लेस वैल्यू ऑफ 3 माने कोन 3 रो स्थान कोड माने 10000 ठीक अछि। तो सेटिप मै कोन 30000 ला आंसर। तापर प्लेस वैल्यू ऑफ 8 देखंतु 8 को जगह रहूची 10 लाख जगह रहूची। तो 8 देखंतु 10 लाख रहूची ठीक अछि। तो 18 लाख माने 80 लागू यार आंसर माने आमर कहार अर्थ हो कि जो आमको प्लेस वैल्यू कह 5 देखो आप डायरेक्ट लिखीदे 5 देखो 81 प्लेस होती यार आंसर आसाला 5 ठीक अच्छे। माने देखो जदि कह 4 वैल्यू ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 4 लिखी बाकी जितोटी नंबर अच्छे से नंबर को 0 मारदेवि ठीक अच्छे। 4 लिखिले यहाँ पर जो संख्या गुड़ाक अच्छे सब 0 मारदेवि। तो ये हूँ आंसर। आशा करुच्छे फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू आपने जाने आपको डायरेक्ट ही क्वेश्चन पचार कि फाइंड द प्लेस वैल्यू फाइंड द फेस वैल्यू जो मैंने आर आई एग्जाम देते हैं जानते कि क्वेश्चन गुड़ाक कमी इजिली आपर कहता ओडिशा स्टेट गवर्नमेंट आपंकर बहुत इजी इजी क्वेश्चन मैंने आसी थे। तो नंबर सिस्टम को जाना पूर्व आमको जाना पड़ेगा फेस वैल्यू कौन प्लेस वैल्यू कौन नंबर सिस्टम कौन होल नंबर कौन ठीक अच्छे इंटक्स कौन देखो। ये आम देखा कि नेचुराल नंबर कौन कह जाए बिले नेचुराल नंबर मैंने जो नंबर को आम काउंटिंग करुँ से नेचुराल नंबर मैंने 1 2 3 4 5 6 युव हूँ कौन काउंटिंग नंबर बा एवरी काउंटिंग नंबर को आम कौन कौन नेचुराल नंबर मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जहाँ रहा सब कौन नेचुराल नंबर देखो। ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पचारे कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर ठीक अच्छे। सब छोट नेचुरल नंबर कौन आरंभ कौटी हो 1 आरंभ हो तो 1 हूँ सब कौन 1 हूँ स्मॉलेस्ट ठीक अच्छे। 1 हूँ स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर आदि पचार लार्जेस्ट नेचुरल नंबर कौन आम लार्जेस्ट नेचुरल नंबर जाने ना। तो जीक काउंटिंग नंबर बहुत आगे बढ़ी ना 100 हूँ आपंकर 1 लाख हे करोड़ हे तो बहुत आगे बढ़ी से लार्जेस्ट आम कही पारा ना। तो लार्जेस्ट हूँ इनफिनिट जो आप ऑप्शन थे इनफिनिट कि कैन नॉट बी ऑप्टेंड ठीक अच्छे। ये आपर ऑफर थी तो नेचुरल नंबर जान लें। तो होल नंबर माने कौन देखूँ जिते भी काउंटिंग नंबर अच्छी माने 1 टू आरंभ करके जहाँ भी काउंटिंग नंबर रोचे जदि तार आगपटे जब आम गोटे 0 एड करदे ना तो सीटा होगी होल नंबर। तो मैंने मुझे कहार अर्थ हो कि होल नंबर 0 एड हम कि नेचुराल नंबर 0 एड हो ना ठीक अच्छे। नेचुराल नंबर 0 एड हम ना। तो ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पचारे ए नेचुराल नंबर इज होल नंबर देखते फ्रेंड ए नेचुराल नंबर इज होल नंबर गोटे नेचुराल नंबर होल नंबर हो पारे कि हाँ हो पारे कौन पर नेचुराल नंबर 1 2 3 4 5 6 अच्छी और होल नंबर भी 1 2 3 4 5 6 अच्छी से गोटे नेचुराल नंबर हो पारे होल नंबर हेले इफ ऑल होल नंबर आर नॉट ए नेचुराल नंबर सब होल नंबर गुड़ाक नेचुराल नंबर नुह कारण देखो ये 1 2 3 4 5 तो गोटे गोटे नेचुराल नंबर हो गला
होल नंबर भी नेचुरल नंबर भी कितु जीरो होल नंबर कितु जीरो नेचुरल नंबर काउंटिंग जीवन ना से देखु कि अल् होल नंबर आर नट ए नेचुरल नंबर सब होल नंबर गुड़ाक के नेचुरल नंबर हो पार ना ध्यान दिंतु कौटा होल नंबर केवल गोटे एक्सट्रा जीरो ही अड़ी ठीक अच्छे नेचुरल नंबर जान लें होल नंबर भी जान लें देखो इंट्रक्स आम कौन करवा तो यहाँ भी काउंटिंग नंबर बाकी ध्यान दिंतु ये नेगेटिव नंबर भी आसो और पॉजिटिव नंबर भी आसो माने नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर और जीरो भी एड आस बुझे माने माइनस थ्री है माइनस टू है माइनस वन होपर देखो जीरो है वन है टू है तो सब नंबर गुड़ाक आम इंट्रक्स कह ठीक अच्छे तो फ्रेंड देखु कि क्वेश्चन आसी था कि सबुठ समलेस्ट इंट्रक्स कौन सबुठ समलेस्ट इंट्रक्स आम कहीपर ना सबुठ समलेस्ट होल नंबर नेचुराल कहीपर होल कहीपर कि इंट्रक्स कहीपर ना कि लार्जेस्ट इंट्रक्स भी आम कहीपर ना देखो सबुठ समलेस्ट होल नंबर कौन सबुठ समलेस्ट होल नंबर जीरो कारण होल नंबर जीरो टी स्टार्ट होता है ठीक अच्छे आशा करूँ कि नेचुराल नंबर होल नंबर इंट्रक्स आप डिटेल्स बुझे एवं देखा कि अड क्या कहुए और इवेन नंबर क्या कहुए तो इवेंट नंबर माने देखु एमती गोटे नंबर इवेंट नंबर रे जोटा कि दुई रे डिविजिबिलिटी होता है माने एवरी काउंटिंग नंबर डिविजिबल बाय टू विच कल इवेंट नंबर तो जिते भी नंबर अच्छे जब दुई रे डिविजिबल है कह इवेंट नंबर कहवा जमीक जीरो टू फोर सिक्स एट टेन और ट्वेल्व यहाँ दीखाना पणिकार अच्छे से आम इवेंट नंबर कहवा देखो मुझे बड़ नंबर दूसरी ये देखो फोर फाइव सिक्स सेवेन और जहाँ भी है एट कि थ्री जहाँ भी दिखे तो आम जाना किमी कि यहाँ को इवेंट कि अड़ तो कौन करेंगे देखो ये जो फास्ट डिजिट अच्छे ना ये फास्ट डिजिट को प्रथम आपड़ा ध्यान देवे बुझेगा फास्ट डिजिट को ध्यान देवे जदि फास्ट डिजिट जो दीखना पणिकार अच्छे अच्छे ना अच्छे दीखना पणिकार दुई चाहू कि आठ ठीक अच्छे तो ताने यहाँ हूँ इवेंट नंबर ठीक अच्छे जदि प्रथम डिजिटा दीरे डिविजिबल होने आम कहीपर कि सहीटा हूँ इवेंट नंबर आउ जो मैंने अड़ कौन कहुच्छे अड़ जोटा दीरे डिविजिबल हम ना से आम अड़ कह मैंने देखो वन होड़ नंबर कहीं टू टेबुल आपंकर वन ही नहीं तो ये देखो आपन को आउ गए क्वेश्चन कौन वन थ्री फाइव सेवेन नाइन इलेवेन थर्टिन फिफ्टीन ए मैंने दुई में डिविजिबल हो पारे ना मैंने देखो टू वन फाइव सिक्स वन तो यहाँ कौन दुई में डिविजिबल हे मुझे कौन कहती लास्ट अंक को देखिक आपंपर कि यहाँ टू रे डिविजिबल कि ना लास्टा वन अच्छी वन के भी टू रे डिविजिबल हे ना से आम इवेंट कहानी यहाँ आम अड़ नंबर ही कह जी मुझे एक्सट्रा आउट जीरो एड करदेली देखो ये मुझे कौन कर पिले एटा जीरो टू टेबुल जीरो अच्छे ना तो सेवेंट नंबर हो बुझेगा इवेंट कौन जान ली अड़ कौन जान ली नेचुराल जानगली इंट्रक्स कौन जान लें होल नंबर कौन आपने क्लीयरली बुझे ठीक अच्छे तो ये देखा आम प्राइम नंबर यहाँ हूँ छोटे छोटे नंबर गुड़ाक यहाँ को जानवाक बाध्यतामूलक जब आप नंबर सिस्टम करेंगे एस सी एफ एलसीएम जो जेको नंबर अच्छे आगे आपंकर मुझे प्रति क्लास करी प्रति क्लास जो इवेंट अड नेचुराल होल नंबर प्रति नंबर आपंकर काम आसो ठीक अच्छे देखते ये आम देखा कि प्राइम नंबर क्या कहुए ए काउंटिंग नंबर ये गोटे एमतिया काउंटिंग नंबर जहाँकि एक्जाक्टली यार टू ही फैक्टर होने एक्जाक्टली यार दुईटा फैक्टर हो सपोधरी नंबर कहूँ फ्रेंड देखो ये देखो दुई रहा तो दुई रतोटी फैक्टर फैक्टर मैंने कौन अच्छी दुई कौ कौ टेबुल दी अच्छी एक टेबुल दी अच्छी और दुई खाना पणिकार भी दी अच्छी ठीक अच्छे सेकेंड देखो मुझे नौ कि तीन नौ देखो तीन तीन कौ कौन पणिकार एक खाना पणिकार अच्छी और तीन खाना पणिकार अच्छी ठीक अच्छे तापर देखो मुझे नौ चारि चारि देखो एक खाना पणिकार चारि अच्छी दुई खाना पणिकार भी चारि अच्छी और चार खाना पणिकार भी चारि अच्छी तो आमर ये कौन कहूँ प्राइम नंबर कहूँ कि ए काउंटिंग नंबर इज कॉल प्राइम नंबर इफ इट हैज एक्जाक्टली टू फैक्टर जहाँ एक्जाक्टली टू फैक्टर माने यार देखो दुईटा फैक्टर आसला यार भी दुईटा फैक्टर आसला किंतु चार देखो दुईटा फैक्टर आसला ना ठीक अच्छे से आम चार को के प्राइम नंबर कहींपर ना ये दी और तीन हो प्राइम नंबर बुझेगा कौन हो दी आन प्राइम नंबर तो ये जितकी भी नंबर दिखाई ना दुई है तीन है पांच हो सत है एगार है तेरह है सतर है उन्नीस है तेईस है एकतीस सैंतीस एकचाश तेयास जितनी भी नंबर गुड़ाक दिखाई कौन सी नंबर माने सब नंबर एक्जाक्टली केवल दुईटा ही फैक्टर अच्छे से नंबर खुद निजे एवं तार वन बुझे एक्जाक्टली तार दुईटा फैक्टर अच्छे से आम ये सब नंबर गुड़ाक आम प्राइम नंबर कहीपर ओके तो फ्रेंड देखो आम गोटे क्वेश्चन रोचे कि वन गोटे कौन नंबर पिले वन तो केवल वन टेबुल ही वन अच्छे ना तो वन को आम प्राइम कहीपर ना वन को कौन कर प्राइम कहीपर ना तो देखो वन जब आम प्राइम कहीपर ना वन को आम कौन नंबर कहूँ कह एवे देखो प्राइम तो आप जानगले जहाँ दुईट फैक्टर अच्छे प्राइम करवा कि चार एमती गोटे नंबर था जार फैक्टर कौन थी देखो एक थिला, फैक्टर दुई थी और फैक्टर चार तो यह आम कौन कह प्राइम कहानी यही नंबर को आम कंपोजिट नंबर भी कहीपर बुझेगा बुझे ना यही नंबर को आम कौन कह पे कंपोजिट ध्यान दिखुँ यार स्पेलींग
होची कंपोजिट याको आपण मन नोट करंतु गोटे कॉपी बनंतु खाता रे सब कुछ लिखंतु याको हम कोन कहबा कंपोजिट नंबर बोली की कहबा जहार मोर देन 2 फैक्टर बुझेउची जहार मोर देन 2 फैक्टर ताको हम कंपोजिट नंबर बोली की कहबा। तो देखंतु एभोली क्वेश्चन आपणकर देखिबा को मिलबो एलआई एग्जाम रे केटी डायरेक्ट क्वेश्चन करबा के 137 ठीक अछि 137 इज ए प्राइम नंबर बा आपण को कहबो कि व्हिच ए प्राइम नंबर एवं चारटी ऑप्शन दे देबो ठीक अछि व्हिच ए प्राइम नंबर प्राइम नंबर टा कोटा एवं चारटी आपण को ऑप्शन देबो गुडला 133 दउथबा 138 दउछि 140 दउछि 142 दउछि आमे जानिबा केमिति कि को नंबर टा प्राइम नंबर ठीक अछि आमे प्राइम नंबर को किभोर हिसाब रे टेस्ट करबा। देखो तुम कहू छी एठी कहू छी कि 173 गुटे प्राइम नंबर कि नहो ए 173 गुटे प्राइम सॉरी 137 गुटे प्राइम नंबर कि नहो तो आमे केमिति करबा देखंतु प्रथम 137 रो पाखापाखि गुटे स्क्वायर नंबर कहबिले पाखापाखि गुटे स्क्वायर नंबर होची 12 ठीक अछि काहे कि 12 इनटू 12 होची 144 बुझेला तो पाखापाखि स्क्वायर नंबर माने पाखापाखि स्क्वायर नंबर 12 देखंतु जदि म 11 करबी केते होची 11 टू 11 121 तो एही 137 माने 137 टी कहार पावर कहार स्क्वायर टू कम माने 12 रो स्क्वायर रु कम इटा होची तो माने कहि परबे कि देखंतु एटे जो लेखा है छी 12 रो स्क्वायर हो जी ग्रेटर देन टू 137 माने 137 टू जस्ट अधिक हो छी 12 रो स्क्वायर माने आमे बे कोन करबा 12 भितर जेते गुडी भी प्राइम नंबर छी प्रति प्राइम नंबर को आमे लेखिबा तो 12 भितर जो प्राइम नंबर छी केते 2 3 5 7 11 एटा हो छी 12 भितर तो प्राइम नंबर गुडा को तो एबे देखंतु आमे एटा को करबा एबे केबे केमिति करबे देखंतु हम कहू छी तो एडे रहु छी कि अच्छा देखंतु ए जो 137 जो नंबरटा थिला आमे कोन करबा थिला एटा प्राइम नंबर को नो आमको टेस्ट करबा थिला जो प्राइम नंबर गुडा को आसीला तारे आमे 137 सहित हरिबा ठीक अछि माने 137 रे आपण केते देखंतो जो नंबर गुडा को अछि आमे दुई रे हरिबा दी टेबुल अछि नै तो तापर आमे कोन करबा एटा के तीन टेबुल रे काटिबा तीन टेबुल रे भी नै एटा फाइव टेबुल रे भी नै सात रे भी नै 11 टेबुल रे भी नै ठीक अछि तो जदी जो नंबरटा देखो आमे प्रथम कोन करबा एटे जो नंबर दिया जाय देबा तहार जस्ट आफ्टर आपण कोन करबो स्क्वायर नंबर बाहर करबा एवं से स्क्वायर नंबर जेते गुडी भी प्राइम नंबर अछि प्रति प्राइम नंबर को माने एटी हरिबा को पड़िबो जदी माने एहार डिविजिबिलिटी हो नाही बा या भाग हो नाही ताले जानिबो कि एटा गुडी प्राइम नंबर बुझियला एटा गुडी प्राइम नंबर। तो देखो तुम आउट नंबर कर देउ छी 319 रो ठीक केते 18 स्क्वायर होची तार बड़ नंबर 18 देखो तो लेस देन जहां भी आपनकर प्राइम नंबर होची ए सब गुला प्राइम नंबर एबे देखो तो 319 टा दी टेबुल तो जीवन तब तीन टेबुल भी जीवन पाँच रे भी कटोनी सात रे भी कटोनी किंतु फ्रेंड देखो यहाँ 11 कटुच्छे के देखो 11 केमी कटुच्छे 3 1 9 11 काटा 11 11 जुड़े के होंगे 22 तर ना 11 नुआ कौन स्पत तो हर कटुच्छे कि ना जेहेतु ये नंबरटा 11 कटुच्छे से आम प्राइम नंबर कहीपर ना ठीक अच्छे तो अफर आप डायरेक्ट को जीवन हुई जे प्राइम नंबर ऑप्शन देव 337 319 437 एभल हिसाब से देव तो आपण मैंने कौन करेंगे 137 को क्लिक करेंगे। तो ये देखो आपण स्टेट गवर्नमेंट ये सब क्वेश्चन गुड़ाक आसी थाए ठीक अच्छे तो मुझे आपको पूर्वर कहते कंपोजिट नंबर कौन कहला जोटा प्राइम नंबर नाला आम कंपोजिट नंबर कहला ठीक अच्छे प्राइम नंबर कौन ए नंबर व्हिच आर एक्जाक्टली टू फैक्टर इज कॉल्ड प्राइम नंबर और जहाँ मोर देन टू फैक्टर ताको आम कंपोजिट नंबर कहला मैंने जीवी कि आपको मुझे फोर एक्जाम्पल नहीं एक्जाम्पल जो कह सिक्स कहि कारण सिक्स रोचे वन हो टू हो थ्री हो सिक्स हो मोर देन टू फैक्टर ठीक अच्छे से आम कह कंपोजिट नंबर भी कहींपर तो ये देखो को प्राइम नंबर आम क्या कह प्राइम जो नंबर एसएफ टा वन ताको आम को प्राइम कह तो देखो फ्रेंड ये आपसी प्राइम नंबर नाबार जरूरत ना कि मन रखु एमती दुटा नंबर ना जो नंबर एसएफ जो आप वन बाहर ताको आम कह प्राइम नंबर सर एसएफ केमी आप जानते वन बाहर देखो एट और इलेवेन हो तो यार एसएफ कौन पे देखो वन एट जा वन एगार तो यहाँ को आम एसएफ कही था ठीक अच्छे जदि एसएफ आप वन बाहर तेल आपने जानते यहाँ हूँ को प्राइम नंबर आम यहाँ कह ठीक अच्छे तो एबे देखंतु को आपणकर आसुछि कि टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी सर भाई टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी अर्थ कोन स्टेट ऑफ डिविजिबिलिटी माने होजे कि आमे केमिति जानिबा कि ए नंबरटा आपणको 2 रे कटिबो ए नंबरटा आपणको 3 रे कटिबो ना ए नंबरटा आपणको 9 रे कटिबो सपोज धरा जाउ मो एटी बडो नंबर देछि 8 6 9 4 एवं 5 एवं एटी नंबर देछि 21205 तो एटा पिला माननको बहुत पिला कोरे काटिबाटा असुविधा होतै कारण से माननको जणा नथै कि एटा को टेबुल रे कटुछि ठीक अछि से माननको जणा नथै तो
ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଡିଭିଡି ରୁଲ୍ ଶିଖାଉଛି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଡିଭିଜିବିଲିଟି ରୁଲ୍ ଶିଖିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଜାଣିଯିବେ କି କେମିତି କଟାଯାଏ ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି ଇଭେଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଇଭେଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଶିଖିଥିଲେ ମୁଁ କହିଥିଲି କି ଦି ଡିଭିଲିଟି ଫର୍ମୁଲା ଆପଣମାନେ କେମିତି ଜାଣିବେ ଯେକୌଣସି ନମ୍ବରର ଯଦି ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ଡିଜିଟ୍ ଦେଖିବେ ମାନେ 4, 2, 6, 9 ଏଠି ଯାହା ଥାଉନ କ'ଣ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯଦି 2 ଅଛି ଏବଂ ଏହା ଯଦି 2ରେ କଟୁଛି ମାନେ ଜାଣିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା 2ରେ ଡିଭିଜିଟ୍ ହୋଇଯିବ ମାନେ ଏହାକୁ ଇଭେଣ୍ଟ ନମ୍ବର କହିବା। ତ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଡିଭିଜିବିଲିଟି ବାଇ 2ର ଅର୍ଥ କ'ଣ କି ଯଦି ତା'ର ୟୁନିଟ୍ ଡିଜିଟ୍ରେ 02468 ଅଛି ମାନେ ଆରମ୍ଭରେ ଧରି ନିଆଯାଉ ଏଠି 9, 2, 4 ଯାହା ବି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଯଦି ଏଠି 0 ଅଛି କିମ୍ବା ଏଠି ଆପଣଙ୍କର 4 ଅଛି କିମ୍ବା 6 ଅଛି କିମ୍ବା 8 ଯାହା ବି ଅଛି ତ ଆପଣମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ବୁଝିଯିବେ କି ଏଇଟା ହେଉଛି କେଉଁ ନମ୍ବର ଏଇଟା ହେଉଛି ଡିଭିଜିବିଲିଟି ଫର୍ମୁଲା 2। ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଯଦି ଡିଭିଜିବିଲିଟି ଫର୍ମୁଲା 3 କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏ ନମ୍ବର ଡିଭିଜିବିଲ ବାଇ 3 ଓନ୍ଲି ହ୍ୱେନ୍ ଦ ସମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡିଜିଟ୍ ଇଜ୍ ଡିଭିଜିବିଲ ବାଇ 3 ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ନମ୍ବରକୁ ଆମେମାନେ ଯୋଗ କରିଦେବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଏଠି 6+9+5+4+2+1 ମାନେ ଏଠି ଯେଉଁ ନମ୍ବରଟା ଅଛି ଏହାକୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ଲସ୍ କରିବା ତ ଆନ୍ସର୍ଟା କେତେ ଆସୁଛି 27। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ 27 ଆସିଲା ଏ 27 3 ଖାନା ଟେବୁଲ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ହଁ ସାର୍ ଅଛି 3, 9, 27। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କହିପାରିବା କି ଏଇ ଯେଉଁ ଟୋଟାଲ୍ ନମ୍ବରଟା ହେଉଛି 3ରେ ଡିଭିଜିବିଲିଟି କିମ୍ବା ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ 2 ଆର୍ 7 ମନେକର ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ କି ନାହିଁ କି 3 ଟେବୁଲ୍ 27 ଅଛି ଏ 7 ଏବଂ 2 ପୁଣି ଆପଣମାନେ ପ୍ଲସ୍ କରିବେ 7 2 କେତେ ହେଲା ପିଲେ 9 ହେଉଛି ତ 9 ଦେଉଛି ନା 3 ଟେବୁଲ୍ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଗଲେ ଠିକ୍। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ନମ୍ବରଟା ହେଉଛି 1 ଏ 3ରେ ଡିଭିଜିବିଲିଟି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛି 6, 9, 5, 4, 2, 1 କେମିତି ହେଲା 3ରେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ 3 2 ଯା 3 3 ଯା 9 ତ ଏଇଟା କେତେ କ'ଣ କେମିତି କଟିବ 3 1 ଯା 3 24 3 8 ଯା 24 0 3 7 ଯା 21। ଠିକ୍ ଅଛି। ମାନେ ଏଇ ନମ୍ବରଟା 3ରେ ଡିଭିଜିବିଲିଟି ଜାଣିଗଲେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା କି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଠି ଭୁଲି ଯାଇଛି କି ଗୋଟେ 5ରେ ଗୋଟେ ଡିଭିଜିବିଲିଟି ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିବି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ 9ରେ 3 ଯେମିତି କରିଲେ 9କୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେ ବୋଲି କି ସବୁ ନମ୍ବରକୁ ଆମେ ପ୍ଲସ୍ କରିବା ଏବଂ ଯଦି ସବୁ ନମ୍ବର ପ୍ଲସ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 27 ଆସୁଛି ଏହା ଯଦି 9 ଖାନା ପଣିକାରେ ଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଯିବେ କି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ 9ରେ ଡିଭିଜିବିଲିଟି ରହୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଗଲେ 9 ଡିଭିଜିବିଲିଟି ଫର୍ମୁଲା କେମିତି ଆସିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଡିଭିଜିବିଲିଟି ଫର୍ମୁଲା କହୁଛି ଯାହାକି ଡିଭିଜିବୁଲ ବାଇ 4 କିନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇନି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବି ଆପଣମାନେ ସେଇଠି ଜାଣିଯିବେ ଡିଭିଜିବିଲିଟି 4 ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି ଫିର ଦେଖନ୍ତୁ 24, 02, 4, 6, 8 ତ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ କି କେବଳ ଲାଷ୍ଟ 2 ଡିଜିଟ୍କୁ ଦେଖିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ 2ର ଡିଭିଜିବୁଲ ଦେଖୁଥିଲା ଆମେ ଗୋଟିଏ ଡିଜିଟ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏଠି 4ର ଡିଭିଜିବୁଲ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ କେଉଁ ଡିଭିଜିବୁଲ ପଡ଼ୁଛି ଏଇଟା 4 ଡିଭିଜିବୁଲ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଖାତା ନୋଟ୍ରେ ଲେଖିନେବେ 4 ଡିଭିଜିବୁଲ କ'ଣ କରିବେ ଲାଷ୍ଟ ଯେଉଁ 24 ନମ୍ବରଟା ଅଛି ଯଦି ଏ 24 ନମ୍ବରଟା 4ରେ କଟୁଛି ମାନେ ଜାଣିବେ କି ଟୋଟାଲ୍ 4 ନମ୍ବରଟା କ'ଣ 4 ଡିଭିଜିବୁଲ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣମାନେ 4 ଡିଭିଜିବୁଲ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଗଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କି 5 ଡିଭିଜିବୁଲ ଆମେ କ'ଣ କହିବା 5 ଡିଭିଜିବୁଲ ସବୁଠୁ ଇଜି ନମ୍ବର ରହୁଛି କି ଯଦି ତା'ର ୟୁନିଟ୍ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ 7, 6, 8, 9, 5 ଯଦି ତା'ର ୟୁନିଟ୍ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆମେ କ'ଣ କହୁଛି ଯଦି 0 କିମ୍ବା 5 ଥିବ ଓକେ ଯଦି ତା'ର ୟୁନିଟ୍ ଡିଜିଟ୍ 0 କିମ୍ବା 5 ଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିନେବେ କି ଏଇଟା ହେଉଛି 5ର ଡିଭିଜିବିଲିଟି ଫର୍ମୁଲା ରହୁଛି। ଓକେ। ତ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ 8 କ'ଣ ହେଉଛି 8 ଲାଷ୍ଟ 3 ନମ୍ବରକୁ ନେଇକି ଦେଖିବେ ଏବଂ 8 ଡିଭିଜିବିଲ ଜାଣିବେ। 10 କେମିତି ଜାଣିବେ 10 କେବଳ ଯଦି ତା'ର ୟୁନିଟ୍ ଡିଜିଟ୍ 0 ରହୁଛି ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ବଡ଼ ନମ୍ବର ହେଲା ଏହାର ୟୁନିଟ୍ ଡିଜିଟ୍ 0 ହେଲା ମନେକର 6, 9, 2, 5 ତ ଯଦି ୟୁନିଟ୍ ଡିଜିଟ୍ କହିଥିଲେ ହେଲା ପିଲେ ଯଦି 0 ରହୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ କି ଏହା ଡିଭିଜିବିଲିଟି ଫର୍ମୁଲା କେତେ 0। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି କି 6ର ଡିଭିଜିବିଲ ଫର୍ମୁଲା କେମିତି ଜାଣିବେ 6ର ମାନେ 6 କେମିତି ଆସିଛି 2 × 3 ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ 2 ଏବଂ 3 6ର ପ୍ରାଇମ୍ ନମ୍ବର କିଏ କିଏ ଦିଆହେଉ 3 ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ କି ଏମିତି ଗୋଟେ ନମ୍ବର କୁହନ୍ତୁ ଯେଉଁ ନମ୍ବର 2ରେ ବି ଡିଭିଜିବୁଲ ଏବଂ 3ରେ ବି ଡିଭିଜିବୁଲ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ 2, 1, 3, 3, 2, 1, 3, 3, 3, 6 ଏଇଟା ଏମିତି ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଏଇଟା 2ରେ ବି କଟୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହାକୁ ପ୍ଲସ୍ କଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ପିଲେ ଏ 3ରେ ବି ଡିଭିଜିବୁଲ ହେଉଛି। ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଉଭୟ 2 ଏବଂ 3ରେ ଡିଭିଜିବୁଲ ତ ସେହି ନମ୍ବରଟା 6ରେ କ'ଣ ହେବ ଡିଭିଜିବୁଲ। ଓକେ। ତ ବୁଝିଗଲେ 6 ଡିଭିଜିବୁଲ କ'ଣ କୁହାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ 11ର ଡିଭିଜିବୁଲ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଖିବା 11ର ଆମେ ଡିଭିଜିବିଲିଟି ରୁଲ୍ ଦେଖିବା 11ର ଡିଭିଜିବିଲିଟି ରୁଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲେ ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡିଜିଟ୍ ମାନେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଅଛି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଏ ନମ୍ବରଟି ହେଲା ତ 1କୁ ଛାଡ଼ିକି ଆପଣ 4 କରିବେ 4କୁ ଛାଡ଼ିକି ଆପଣ 3 କରିବେ 3କୁ ଛାଡ଼ିକି ମାନେ ମୁଁ ଆପଣ ଲେଖିଦେଉଛି ହେଲା 2, 9, 4, 3, 5, 4, 1, 7 ଆପଣ ଜାଣିବେ କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ପାଇଁ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଆପଣ ଛାଣି ଛାଣି ଏଠି ମୁଁ ଗୋଲ୍ ମାରୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଠି ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଅଛି ନା ଏ ନମ୍ବରକୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ପ୍ଲସ୍ କରନ୍ତୁ 7 4 3 ଏଠି କରାହେଇଛି 7 4 3 ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ନମ୍ବରକୁ ଆପଣମାନେ ଗୋଲ୍ କରିନାହାନ୍ତି
तो से नंबर मानक एवं प्लस करूँ कल यहाँ तो ये गोल्ड नंबर को प्लस कली बाकी नंबर को प्लस कली दुटा को प्लस कला देखो जदि आपको एनसर जी भी आसो जो एगार खाने पणिकार अच्छी तालोले जानवे कि यही नंबरटा एगार डिजेबुल हो ठीक से देखो ये देखो सम अफ द डिजिट यहाँ देखो ये जो नंबरटा था यहाँ के फाइव है सात है छाला चार तीन आठ दुई एवं दुई या को मध्य एमती नियाई एटा नहींगला तो दुई आठ छः सात प्रथम यहाँ प्लस करापर बाकी पाँच चार तीन दुई प्लस करागला तो एक प्लस कलापर देखु सरी माइनस करागला ये प्लस प्लस माइनस करागला एनसर देखो तो नाइन आसा नाइन कौन एगार खाने पणिकार नाइन अच्छी ना जदि एगार खाने पणिकार नाइन ना से आम डिजिट गोटे फर्मुला नाबा ना तो इट्स नॉट ए डिविजिबल बाय 11 ठीक अच्छे तो फ्रेंड आज आप नंबर सिस्टम रे किसी बेसिक नंबर आपने जान लें नंबर सिस्टम रे आपको कौन कह जाए ये प्लेस वैल्यू कौन प्लेस वैल्यू कौन नेचुरल नंबर कौन होल नंबर कौन इंटक्स कौन आपने जान लें तापर आपण शिखिली कि प्राइम नंबर क्या कहुए कंपोजिट नंबर कौन जान लें आपने को प्राइम क्या कहुए तो आउ थे मुझक मन रखे कि फेस वैल्यू मैंने जहाँ आम फेस देखी था तो मन कर 4321 तो व्हाट इज द फेस वैल्यू वन एनसरटा थी कौन पे वन जदि मुझे कहि व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 3 आपने एनसर कहते 3 जदि प्लेस वैल्यू कहि तेल आपड़ कौन कहे 3 और 00 प्लेस वैल्यू आपने फेस वैल्यू को जानगले आम कौन पढ़ी देखो प्लेस वैल्यू प्लेस वैल्यू सर नेचुरल नंबर कौन एवरी काउंटिंग नंबर को आम नेचुरल नंबर भी कहते नेचुरल नंबर मैंने जीरो टू सॉरी जीरो नुह वन टू आरंभ कर वन टू थ्री फोर जहाँ हो नेचुरल नंबर जदि एक्सट्रा जो आम जीरो एड करदे ये कौन नंबर हम ये जो होल नंबर बुझेगा ये हो होल नंबर एवं देखो आम पढ़ी कौन इंटक्स इंटक्स क्या कह जाए इंटक्स मैंने नेगेटिव नंबर भी रोथ पॉजिटिव नंबर जीरो भी रोथ पॉजिटिव नंबर भी रोथ आम कहला इंटक्स ठीक अच्छे तापर पर आम पढ़ी को प्राइम नंबर सॉरी आप पढ़ा तापर आम कौन पढ़ी कि सॉरी प्राइम नंबर क्या कहुए ना प्राइम नंबर कह कहुए जार एक्जाक्टली दुईटा फैक्टर था ताको प्राइम नंबर कहला जमीती कि दी तीन आँच सत प्राइम नंबर और जो गुड़ाक प्राइम नंबर नुह आम कंपोजिट नंबर भी कहला जोटा कि चारि है थ्री है चारि है सिक्स है फ्रेंड देखो गोटे नंबर थी वन मुझे शेष में कह भी कहती वन गोटे प्राइम नंबर नुह कि कंपोजिट नंबर नुह कारण यार दुईटा फैक्टर थे यहाँ प्राइम कही था यार दुईटा फैक्टर ना कि कंपोजिट कहे कि मोर देन टू फैक्टर यार मोर देन टू फैक्टर ही ना सो दैट वन इज नॉट ए कंपोजिट एंड वन इज नॉट ए प्राइम नंबर आपने जानते कंपोजिट क्या कहगला प्राइम नंबर क्या कहगला प्राइम नंबर केमी टेस्ट कहुए कहली कमी जानवे कि नंबर प्राइम नंबर बोल किपर आम देखी कौन प्राइम नंबर सरला देखी डिविजिट फर्मुला तो प्रथम मुझे कही आपको टू डिविजिट जार इनो डिजिट टू अच्छे तरह टू डिविजिट और थ्री आम कमी जाना जब टोटा नंबर को आम प्लस करवा और जो थ्री भाग होता थ्री डिविजिबल नाइन मतलब सेमती टोटा नंबर को प्लस करवा जब नाइन भाग होता है नाइन डिविजिट तापर पड़ी फोर डिविजिट लास्ट टू नंबर ठीक अच्छे लास्ट जो टू नंबर देखिका आम कही पारा कि फोर डिविजिट और मुझे कही आपको पांच डिविजिट आपड़ी जानते फाइव नंबर बोल कि जब तरह यूनिट डिजिटा जीरो कि फाइव थी तेल आपने जानवे ये फाइव डिविजिबल बोल कि ठीक अच्छे तापर सिक्स कौन थी जदि आप जो संख्याटे थी ना से संख्या जब टू रे भी डिविजिबल हो थ्री भी डिविजिबल होते से ही नंबरटा कौन पे से नंबरटा हो थ्री डिविजिबल हो ठीक अच्छे तो आप जानते थ्री डिविजिबल मुझे इलेवेन डिविजिबल इलेवेन में कौन थी देखो ये जो वन प्लस पर प्लस कले बाकी माइनस कला जो नंबर आसो जदि एगार भाग होती है एगार डिविजिबल तो प्रति डिविजिबल नेचुरल नंबर जहाँ भी आपको पढ़ाई आशा करती भाव में आपको भल लगे भिडियोटा जदि भिडियोट भल लगी एवं क्लास आपने एलआई और एसएफएस क्लास देखा चाहते भिडियो को लाइक करूँ फ्रेंड सांगसाथी को सेयर करूँ और प्रति नोट्र पीडीएफ गुड़ाक आपने टेलीग्राम ग्रुप्रे पाइबे से जाकर आपने डाउनलोड करूँ और डिटेल्स आप पढ़ू और एलआई एवं एसएफएस एग्जाम को क्रैक करूँ धन्यवाद।